नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 14, 15, 16 और 17 जून के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। आठवीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। 14 जून के दिन आप त्रिपक्षीय समस्या का शिकार हो सकते हैं। ऐसी संभावना है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के विश्वासघात करने का आरोप भी लग जाए। इस प्रकार के आरोपों से अपने आप को बचाने के लिए आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला, किसी प्रकार की सफाई नहीं देनी है, और दूसरा आपको ये करना है कि अगर आरोप सही हैं तो उनका स्वीकारोक्ति ना करें, और अगर आरोप गलत हैं तो उनको डिनाई ना करें। यानी कि जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्हें आरोप लगाने दें। दोनों ही कंडीशन में, आप सही हैं या गलत हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका शांत बने रहना आपको जिता देगा, इस बात को आप समझ लें। इसके अलावा 14 जून को किसी भी प्रकार की इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग जो साझेदारों के साथ हो उसे टाल जरूर दें, और परिवार के मामले में भी अगर एक से दूसरे परिवार तक किसी बात का होना है, यानी कि कोई डीलिंग वगैरह होनी है एक से दूसरे परिवार तक, तो उन चीज़ों को टाल दें तो बढ़िया रहेगा। 14 जून के विपरीत सबसे बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप इन्फ्लुएंसर पर्सन की तरह से पेश आएंगे, और आप अपने आप में काफ़ी सशक्ति महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस दिन आप बिल्कुल ही अलग व्यक्ति हैं। आपके विचारों और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर बहुत जल्दी पड़ेगा। लोग आपकी बातों में आ करके आपका काम कर देंगे, या ऐसे काम भी आपके लिए कर देंगे जो आमतौर पर वे मना कर देते। इसलिए लोगों को प्रभावित करके अगर अपना काम निकालना है तो 15 जून को इस्तेमाल जरूर करिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि लोगों से कुछ अनैतिक ना करा लें। 16 जून के दिन आप जितने अच्छे और भले इंसान बने रहेंगे, जितने भले मानस रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ईश्वर आपको एक अच्छे इंसान के तौर पर देखना चाहते हैं, इसके लिए 16 जून का दिन निर्धारित किया गया है। वृश्चिक राशि, इस दिन अगर आप किसी को धोखा देते हैं, किसी का फायदा उठाते हैं, किसी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 17 जून के दिन आप परिवार के साथ बड़ा ही बढ़िया समय बिताएंगे। इस दिन आप खुशहाल रहेंगे, आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, और इस खुशहाली भरे वातावरण में आप बड़े ही प्रसन्न चित्त रहेंगे। इस प्रसन्नता को खाली न जाने दें, एंजॉय करें, परिवार के साथ घूमें, बाहर जाएं, खाएं पिएं, मस्ती करें। इस दिन आप जितना ज़्यादा एंजॉय करेंगे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए 14 और 16 तारीख अच्छी तिथियां नहीं हैं, 15 और 17 बढ़िया हैं। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 14 से 17 जून तक के लिए। मेरे कार्यक्रम के बारे में आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।